लोकसभा प्रवास योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी, हमारी सीटें 14 सीटें ऐसी हैं जो हम नहीं जीत पाए थे पिछली बार। 16 सीटें थी, लेकिन 16 में दो हम सीटें आजमगढ़ और रामपुर बाई इलेक्शन में जीत गए। तो 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है। तो लोकसभा प्रवास योजना एक भारत की भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय योजना है। उसमें सभी केंद्रीय पार्टी के हमारे जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, उनके प्रवास एक नियम व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत होते हैं, यहाँ भी हुए। और 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी लोकसभा प्रवास योजना के तहत जौनपुर और गाजीपुर के कार्यक्रम। 5 सीटों के विधान परिषद के चुनाव, 3 सीटें स्नातक की हैं, 2 सीटें शिक्षक की, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, उन्नाव और मुरादाबाद बरेली, ये स्नातक की 3 सीटों का चुनाव है। कानपुर उन्नाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और प्रयागराज झांसी निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव 30 तारीख को होना है। इन चुनावों में हर वर्ष हर चुनाव में नई मतदाता सूची बनती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की, हमने बूथ बनवाने का काम किया है बड़ी संख्या में, और अब मतदाताओं के बीच में जाकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील हम लोग करेंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में पूर्व चुनावों की तरह इस बार भी हमें आशीर्वाद इसमें मिलेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। लोकतंत्र में और सभी राजनीतिक दल ये अपेक्षा करते हैं कि हमें सरकार बनाने का, अपने विचार के आधार पर नेतृत्व करने का अवसर मिले। हम लोग भी करते हैं, और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, चाहे 2017 का चुनाव हो चाहे 2022 का चुनाव, हमें 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया। कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम नहीं जीत पाए, तो ऐसा संभव भी नहीं होता कि सारी सीटें जीत जाए, लेकिन 2/3 बहुमत भी बड़ा जनादेश, और मुझे लगता है ऐसा बहुत लंबे समय बाद भाजपा को यह अवसर मिला है। ऐसा आपने गाजीपुर संबंध से संबंधित कुछ विषयों, कुछ जिलों की चर्चा की है, हम लोगों ने समीक्षा कर ली है, जो जो कमी रही है, जो जो खामी रही है, उन खामियों को दूर करके हम लोग चुनाव में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। हो सकता है पूर्व में हम अपनी बात स्थानीय स्तर पर कहने में, लोगों को समझाने में सफल ना हुए, लेकिन इस बार प्रयास करेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतने के संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे।